हाँ जी, वी आर डूइंग द फॉर्मूलाज रिलेटेड विद लिमिट्स, आई एम रिकॉलिंग दैट फॉर्मूलाज। हाँ जी बेटा, हाँ जी, मैं अभी वो सारे कराने लगी हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने लिमिट के रिलेटेड किया था, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ओके, क्या फॉर्मूला किया था? थैंक गॉड, मेरे बच्चों की आवाज निकले। सेकेंड फॉर्मूला, साइन एक्स बाय प्रोवाइडेड एंगल शुड बी थर्ड, सेम लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, टैन एक्स बाय एक्स दैट इज ऑल्सो वन। कॉज का नहीं देखना पड़ता हमें, मतलब क्योंकि कॉज जब हम पुट करते हैं, अगर यहां होता कॉज एक्स बाय एक्स, कॉज जीरो वन होता है तो वो वन बाय जीरो, वो जीरो बाय जीरो नहीं बन रहा, वो क्या कर रहा है? वन बाय जीरो, वो नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है। नहीं बेटा, अगर आप कहो कि मैम कॉस एक्स बाय एक्स वन क्यों नहीं होता व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, तो मैं यही बता रही हूं, अगर कॉस एक्स होता, कॉस जीरो वो तो वन होता है ना, कॉस जीरो दैट इज वन, वन बाय जीरो वो नॉट डिफाइंड आंसर आए। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास जो है फोर्थ, आपको एक्सपोनेंट फॉर्म पता क्या होती है, कैसी फॉर्म होती है? पावर्स में आप करते थे टू की पावर थ्री, एक्स की पावर वाई, जेड की पावर थ्री, ऑल आर रिटन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ऐसे ही हमारे पास लिमिट का भी एक्सपोनेंट फॉर्म होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ए पावर एक्स, मेरे पास जो है माइनस वन बाय एक्स जो है दैट इज लॉग ए, ओके। अब ये लॉग आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? ओके ओके, हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी, मेरे पास जो है लॉग, पता कैसे कोरिलेट होता है हमारे पास, जैसे हम जितनी एक्सपोनेंट पावर्स होती है ना उसको हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको ये कहा जाए कि लॉग टू पावर थ्री इज एट, टू पावर थ्री इज एट, तो हम उसको लॉग में कैसे लिखते हैं? लॉग एट टू द बेस टू, मतलब टू की कितनी पावर लें, आंसर एट आए दैट इज थ्री। एक्सपोनेंट की लॉग के साथ कोरिलेट होता है। यहां पर कुछ नहीं लिखा तो बेस ये मेरे पास ई है, ओके बेटा। हम लोग वैसे तो बहुत सारे बेसिस होते हैं, वी डील विद टू बेसिस है ना, एक नेचुरल एक लॉग होता है, एक टू द बेस टेन होता है। जब तक कुछ नहीं लिखा वी ट्रीट इट एज टू द बेस ई, ओके जी। क्योंकि अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो ई पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ये फॉर्मूला सेम ही है, डिफरेंस क्या है? ई का ओनली, तो दैट मींस आंसर इज लॉग ई, और लॉग ई बेटा वन होता है, लॉग ई वन होता है, लॉग जीरो बता नॉट डिफाइंड होता है, लॉग जीरो इज नॉट डिफाइंड, ओके बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास जो है लॉग सिक्स फॉर्मूला, लिमिट एक्स अप्रोचेस मेरे पास जो है जीरो लॉग वन प्लस एक्स ओवर एक्स दैट आंसर इज वन, दैट आंसर इज वन। इसको ना मैं और फॉर्म में भी लिख सकती हूं, और लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो लॉग वन प्लस एक्स पावर वन बाय एक्स भी लिख सकती हूं, क्योंकि आपको पता है हैव यू एवर लर्न दिस फॉर्मूला कि एम लॉग एन क्या होता है? लॉग एन की पावर एम। मैं ये सारे फॉर्मूले बता देती हूँ सो दैट कि आप लोगों को आगे कभी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए इसके रिलेटेड, है ना। लॉग एम प्लस लॉग एन
दैट इज लॉग एम एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय एन। एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला भी होता है, प्लस टू में जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। ओके, तो आई एम रवि, जल्दी करा करो। बेस चेंजिंग ये देखिए, लॉग ए टू द बेस बी, तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ए ओवर लॉग बी। अब कुछ नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, कोई भी मैं बेस इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, ई भी लगा सकती हूँ, सी भी लगा सकती हूँ, एनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत जगह यूज होगी आपकी भी। ओके, कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो प्लीज आस्क मी बेटा, एनी डाउट। चले आगे, पक्का? फिर टेस्ट होगा तो ये नहीं कहना कि मैम ऐसे हो गया, कंफ्यूजन होगी। सैटरडे तो पता ही नहीं है ना बेटा, कोई बात नहीं, चलो अभी तो पढ़ो, बता देंगे कल वाली बात, ठीक है? चलिए अब बेटा स्टार्ट करें। ऑलमोस्ट प्लीज प्लीज ऑलमोस्ट जितने के यूज होने हैं मैंने आपको करवा दिए, ठीक है? फिर और कोई रह गया होगा तो डेफिनेटली वी विल डू, ठीक है? चलिए पहले इसी पर बेस्ड लेट अस डू द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने लगी हूं, ठीक है? एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। क्या करेंगे इसमें? चलो पीछे से, ऐसे नहीं कोई बताएगा, पीछे से टर्न करेंगे। हाँ जी बेटा, लास्ट बॉय लिमिट पुट करते हैं, तो 3+3 आंसर इज 6। गुड, सेकंड लिमिट एक्स अप्रोचेस पाए एक्स माइनस जो है 22/7। नेक्स्ट, हाँ जी हर्षदीप, पेज नंबर क्या देखना बेटा? आई हैव रिटन द स्टेटमेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड, आंसर देखना सेकंड। वैल्यू पुट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हर्षदीप? बेटा अब देखो, पाए की वैल्यू गिवन नहीं है ना, हमें नहीं पता 22/7 है कि 3.14 कहां तक है, तो जस्ट पुट बेटा। ये पाए एंगल डिग्रीज रेडियंस में भी हो सकता है, पाए 180 भी हो सकता है, वी आर नॉट अवेयर ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नो नीड टू पुट द वैल्यू। हमें नहीं पता वो एंगल की बात कर रहा है पाई वाली की दूसरी बात कर रहा है, तो आंसर सिंपल पाई माइनस 22/7। ओके जी, हम काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, आप पर्टिकुलर केस ले रहे हो है ना, तो हम वो पर्टिकुलर केस तो कैसे भी हो सकते हैं। ओके चलिए, वैसे तो ये नो डाउट ये रैशनल नंबर वाली इरैशनल वाली जो वैल्यू है, बट फिर भी जीरो नहीं आएगा, मैं आपको यही बात बता रही हूँ। नो डाउट पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट जो है यहाँ पर ये भी तो 3.14 भी तो कोई पाई की वैल्यू ले सकता है ना, तो अवॉइड इट टेकिंग। तो पूरी नहीं डिवाइड होती, पाई इज इरैशनल नंबर, वो एंड तक नहीं, 2 डिजिट तक लेना है कि 3 डिजिट तक लेना, हमें कुछ नहीं पता, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आंसर जीरो नहीं होगा। यही गलती बच्चे करते हैं। ओके जी, क्लियर? थर्ड क्वेश्चन मेरे पास हो गए, लिमिट पी अप्रोचेस नहीं आर अप्रोचेस 1 और पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल जी, वेरी इजी, आंसर इज पाई। फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस 4। नेक्स्ट अर्शीप से नेक्स्ट, हां जी मयंक, चल मेरा बेटा क्या करें? वेरी गुड, एक्स की वैल्यू 4 पुट करो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा, ऊपर भी 0 नहीं बन रहा है, तो सीधा पुट करेंगे, 4 4 16 + 3/2, आंसर इज 19/2। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस -1
नेक्स्ट टर्न किसकी है बेटा? हाँ जी नेक्स्ट टर्न, हाँ जी बेटा बिल्कुल। x की वैल्यू आप जब माइनस वन पुट करोगे डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा तो पुट करो ही डायरेक्टली। तो देखिए मेरे पास हो गए वन माइनस वन प्लस वन माइनस टू, तो मेरे पास वन बाय माइनस टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू ही आएगा। ओहो क्या बात करते हो, मैंने वन बाय माइनस टू लिख दिया आंसर माइनस वन बाय टू है तो मैडम फर्क हो गया आंसर। माय गुडनेस क्या करें, जो बात बतानी वाली होती है ना वो नहीं करेंगे, वो गलती कभी नहीं निकालेंगे, आलतू फालतू वाली मिस्टेक्स होती है इनकी। बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं। चलिए जी Who will tell me how to solve this question? हाँ जी next turn. Please, please. Please चुप बेटा। Minus one. अशनूर इतना time नहीं लगना चाहिए, अगर कल सुना होता तो इतनी problem नहीं आती। हाँ जी बेटा, हाँ जी a x power n minus a power n वाला बिल्कुल, बट उसके लिए क्या करें? बिल्कुल जी, लिमिट पहले तो यहां x प्लस वन अप्रोचेस वन, x प्लस वन पावर फाइव माइनस वन पावर फाइव, x प्लस वन माइनस वन। देख लो मैंने कल भी ये क्वेश्चन तीन तरह से करवाया था, अगर आज हर्षन याद नहीं है ना तो दैट मीन्स हम बिल्कुल पीछे हैं बेटा। बेटा बात सॉरी की नहीं है, मैं आपका बेनिफिट सोच रही, आगे ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल करनी है, तो अगर आप अभी ये नहीं करोगे फिर तो कोई भी चैप्टर नहीं रिकॉल कर पाओ। मैंने आपको पहले भी कहा साथ साथ जाके बेटा, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं पर मैं ये कह रही हूं जो चीज कराई जा रही है उसको जाके 15 मिनट सिर्फ 15 मिनट रिकॉल मेरे कहने पर करके देखो एक बार, तो देखो आपको प्लस वन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब आप पढ़ते नहीं हो वो काम इकट्ठा हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी बेटा। बार बार कह रही हूं अब ये दिवाली हॉलीडेज में कंप्लीट योर दिस चैप्टर, जितना करवाया रिकॉल करके आना सारा। चलिए अब ये बन गया बेटा सिंपल, क्या आएगा ए आगे तो वन की पावर फोर तो आंसर इज फाइव। ओके सबको बात समझ आई? पुलकित हाँ बिल्कुल सही कहा, हाँ जी कह देता है जब मैंने इससे पूछना है इसने। हाँ जी बेटा क्या क्या कहाँ पर बेटा? यहाँ क्यों माइनस वन क्यों? मैंने दोनों तरफ ऐड किया ना बेटा, If anything approaches zero, I'm adding both side. कहा माइनस वन बेटा? ये फॉर्मूला देखिए ना, आपका फॉर्मूला बेटा ये होता है लिमिट x approaches a, x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a। x क्या है? x प्लस वन, तो मैंने x ही बनाया, a इज वन हर जगह पे, n इज फाइव, समझ आ गई बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। हाँ जी टू पुट करेंगे तो फोर माइनस फोर हो रहा है ना, क्या करेंगे फिर? फैक्टराइजेशन करें जरा हम देखें। हाँ जी जब हम करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू मल्टीप्लाई करें तो माइनस थर्टी आए, प्लस माइनस करें तो माइनस वन, सिक्स फाइव हाँ जी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू थ्री एक्स
मेरे पास जो है एक्स माइनस टू और इधर से क्या फाइव कॉमन एक्स माइनस टू, आप साइड पे भी सेपरेट करके फैक्टराइजेशन शो कर सकते हो। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स माइनस टू थ्री एक्स प्लस फाइव ओवर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू कैंसल। अब क्या करेंगे पुट कर दो, बिल्कुल जी, जब लिमिट पुट की थ्री इंटू टू प्लस फाइव टू प्लस टू फोर, आंसर इलेवन बाई फोर। ओके समझ आया बेटा, क्लियर हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस सेवन थ्री सॉरी एक्स पावर फोर माइनस एटी वन टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, बिल्कुल जी ऊपर। पहले तो पुट करके देखो, थ्री पुट किया जीरो आ रहा है ना, ऊपर भी जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म। मैं बार बार कहती हूँ प्लीज लिख लिया करो, आपको याद रहेगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप। ओके, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? फैक्टराइजेशन। तो अब मैं क्या करूंगी बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, अब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन उसका फैक्टर बना दूं, यस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। ये बात देखो सबको समझ आई मैंने ऊपर क्या किया? एनी डाउट टू एनी वन? यशिका क्लियर, मन्ना क्लियर बेटा, काव्या चलिए, वृत्ति बेटा क्लियर है? अब इसके फैक्टर्स बनाओ। ओके जी, माइनस जो गए मेरे पास थ्री टू बनेगा, बिल्कुल जी, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स चाहिए। हाँ जी बेटा, ये देखो ना माइनस सिक्स और माइनस फाइव चाहिए, सिक्स और वन, माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स बना के देख लिया करो, बनेगा नहीं बेटा, आपको प्लस जब करना पड़ेगा तो वो मल्टीप्लाई में नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, ठीक है जी, ये तो पुराना काम है, ये तो आई थिंक यू आर एबल टू चेक इट। टू एक्स कॉमन एक्स माइनस थ्री प्लस वन कॉमन एक्स माइनस थ्री, लिमिट एक्स अप्रोचेस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, न्यूमिनेटर में तो एज इट इज यू हैव टू राइट, इन द डिनोमिनेटर टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री कैंसल एंड पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड यू विल गेट योर आंसर। समझ आ गया सबको? कौन सा बेटा? ये वाला ऊपर वाला, ऊपर से फैक्टराइजेशन की, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर नाइन का स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसके फिर फैक्टर्स बना दिए। ओके चलो बेटा आगे, जितना भी आंसर डू द नेक्स्ट, चलिए हरी अप, डू क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, बिल्कुल दी आंसर इज बी, बिकॉज एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आंसर इज बी। अब कोई नहीं बोलेगा, नाउ इट्स अ टर्न फॉर पुलकित, पुलकित का ध्यान कहीं और है, दैट्स व्हाई आई वांट हिम टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए पुलकित जी, जेड की जगह, अगर मैं जेड की जगह पुलकित वन पुट करूं बेटा तो वन की पावर एनीथिंग वन ही होता है, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन ये तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। पुलकित ने इतना बताया मैंने मान लिया, वैसे तो ये सबको ही पता था, ठीक है। अब पुलकित जी अपना आगे बताएंगे हमें, इसीलिए कहती हूँ ना कि पुलकित यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास बेटा,
यू इंसिस्ट मी टू टेक अ हार्ट, कौन सा फॉर्मूला? साइन कॉज वाला लगा देती हूँ बेटा, आप कह रहे हो कोई भी लगा दो। हाँ तो छह में से बताओ ना कौन सा फॉर्मूला बेटा, यही तो बता, यही तो प्रॉब्लम है कि यू आर नॉट एबल टू जज विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज। प्रॉब्लम ही यहाँ आ रही है पुलकित, कुछ भी हो हाफ से क्यों करना है? यस, इतना इजी क्वेश्चन ऐसी टाइप भी हमने की, आपके पास x की पावर n माइनस a की पावर n है ना, व्हाट यू नीड, वो नीचे भी चाहिए, ये लो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ नीचे डिवाइड ही किया ना, चलेगा ना? इसकी वैल्यू n a पावर कुछ भी हो वन ही रहना है, एन वन की पावर कुछ भी हो आंसर इज टू। पता चला पुलकित, पता चला कौन सा फॉर्मूला लगाना बेटा, जो बेटा कल बताया था। अब प्रॉब्लम ये है कि पुलकित ने कल फॉर्मूला नहीं सुना था। हाँ चलो अच्छी बात है, हम भी इसको समझा के ही रहेंगे आज। बस बेटा ये प्लस वन ए, चलो बेटा पुलकित ये फॉर्मूला देखा था अभी, क्या आंसर होता था? ओके जी, चलो हरनू ने हेल्प कर दी थोड़ी सी, ठीक है समझ आ गया। अब मैंने यही लगाया बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं किया मैंने, नीचे वाली टर्म मेरे पास नहीं थी, दोनों में ए ए सेम है, नीचे वाली टर्म नहीं थी, मैंने दोनों टर्म्स को नीचे वाली टर्म सेम सेम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दी, तो ऊपर भी फॉर्मूला लगा दिया नीचे भी लगा दिया, बात समझ आई? ओके पता चला पुलकित, चलो जी थैंक गॉड। अब अगला सम फिर पुलकित बताएगा, बिकॉज पुलकित को समझ आ गया है तो पुलकित वेरी इजी, जस्ट थिंक ओवर इट बेटा, सीरियसली टेक इट सीरियसली। क्यों करेंगे बेटा, ये तो बता दिया चलो फ्रेंड्स ने। अच्छा चलो, अगर क्यों करेंगे, फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, हम वैल्यूज ही क्यों पुट करें, मुझे तो ये बात नहीं समझ आती है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि वैल्यूज पुट करके अगर मेरा 0/0 फॉर्म नहीं बनता है तो फिर बिल्कुल अच्छी बात है, पुलकित जी ने कहा है तो हम वैसे ही करके देखते हैं। हाँ जी, व्हेन आई पुट है ना ए बी प्लस सी नीचे, आपको पता वाई दे राइट, वाई दे राइट दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं ना, कटिंग नॉन जीरो फैक्टर्स की होती है, वी आर कैंसलिंग इट जस्ट बिकॉज दिस इज अ नॉन जीरो फैक्टर, ये नॉर्मली बच्चों को पता नहीं लगता है, वाई दे राइट दिस कंडीशन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मैं एमसीक्यू में ये क्वेश्चन डाल दूं, व्हाट कंडीशन शुड बी अप्लाई ऑन ए बी सी सो दैट द लिमिट इज इक्वल टू वन, तो आपको पता होना चाहिए क्या ए प्लस बी प्लस सी शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि नॉन जीरो होगा तो आई एम एबल टू डू कटिंग। ओके, क्योंकि अगर ये जीरो होता तो ये 0/0 फॉर्म हो जाता। ओके बेटा क्लियर, चलिए आंसर इज वन। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। चलो हरनूर जी, अनूर बेटा बताइए, ओके जी
प्लीज प्लीज, अगर मैं माइनस टू पुट करती हूं तो ये और ये कट जाता है, जीरो बन जाता है, ये भी कट जाएगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म, मेथड फेल। आगे क्या करें फिर? इतना इजी सा क्वेश्चन है, घबरा इतना सोचते हैं। हाँ जी, फैक्टराइजेशन के लिए क्वाड्रेटिक है ही नहीं, मैं एलसीएम ले लें। वेरी गुड, इफ आई टेक एलसीएम 2+x बाय 2x और नीचे टर्म ये, इट विल कैंसल, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था खत्म हो गया। अब क्या करें? ओके जी, क्या फॉर्मूला लग रहा है? नेगेटिव पार वाला तो मैंने कोई बताया ही नहीं, पॉजिटिव पार ही बताई। ओके ठीक है, चल चलो आगे चले बेटा, चले नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट लिमिट, नेक्स्ट टर्न किसकी है बेटा? अनूर से नेक्स्ट, चल काव्य, वेरी गुड, साइन एक्स बाय एक्स का, फिर क्या करें काव्य? आप काव्य हो सारे, लेट हर टू स्पीक बेटा। अर्शदीप, ए बाय बी से, ए से ही करने की जरूरत है ना, बी तो हमें एक्स्ट्रा ही है, एंगल में ए है, ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड कर दिया मैंने इसकी जगह पे। देखिए इतने की जगह पे क्या लिखोगे? वन, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो साइन ए एक्स बाय एक्स इंटू ए बाय बी। अब मेरे पास हो गए, ये वन बन गया, वन इंटू ए बाय बी। अच्छा यहां लिमिट क्यों नहीं लगाई बता सकती हूँ? यस, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट के साथ लिमिट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आंसर इज ए बाय बी। समझ आई बेटा बात? असीस क्लियर बेटा? उसे आगे चलू? आगे बेटा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी, क्या हो गया अर्नू? चलो बेटा क्या करें अब नेक्स्ट? आशीष, आप आशीष नहीं हो अर्नूर, जब अपनी टर्न होती है तब बोलते नहीं हो कुछ। चलो आशीष बेटा, चलो आशीष आप बताइए बेटा जल्दी। साइन एक्स आए ना, सीधा ही दिमाग में कुछ आना चाहिए। बी बाय ऐसे क्या करूं? मल्टीप्लाई, आप किसी चीज को, किसी को पैसे दे रहे हो, किसी के पैसे आप डबल ट्रिपल कर रहे हो बिना बात के, कोई कमीशन भी तो चाहिए, यू नीड कमीशन ना।